रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल फुटबॉल विश्व कप के आयोजक फीफा ने रविवार को कतर में टूर्नामेंट के फाइनल से पहले विश्व शांति का संदेश देने के ज़ेलेंस्की के अनुरोध को सिरे से खारिज कर दिया है। ज़ेलेंस्की खेल से पहले कतर के स्टेडियम में प्रशंसकों को वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहते थे, लेकिन नेगेटिव रिप्लाई ने उनकी मंशा पर पानी फेर दिया। हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि यूक्रेन और स्पोर्ट की गवर्निंग बॉडी के बीच बातचीत अभी भी जारी है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बार बार सरकार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विश्व मंच पर शांति और सहायता की अपील कर रहे हैं, जिसमें इसराइल की संसद, अमेरिकी सांसदों, ग्रैमी अवार्ड्स, कान फिल्म महोत्सव और G20 शिखर सम्मेलन शामिल है। ज़ेलेंस्की ने पिछले दिनों ऐसे कई इंटरव्यू भी दिए हैं और टीवी पर शो में बैठकर इन मुद्दों पर बातचीत भी की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को इस महीने टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में भी नामित किया गया था। दरअसल फीफा विश्व कप के फाइनल को दुनिया भर में करोड़ों लोग देखेंगे और यूक्रेन के लिए दुनिया तक पहुंचने और रूसी बलों की ओर से किए जा रहे हमलों के बीच मदद की गुहार लगाने का अच्छा अवसर था, लेकिन ज़ेलेंस्की की उस उम्मीद पर पानी फिर गया। रूस ने शुक्रवार को युद्ध की शुरुआत के बाद से अपने सबसे बड़े हमलों में से एक में यूक्रेन पर 70 से अधिक मिसाइलें दाग दी और कीव को आपातकालीन ब्लैकआउट लागू करने के लिए मजबूर कर दिया। इससे पहले कीव ने चेतावनी दी थी कि मॉस्को 2023 की शुरुआत में एक नए ऑल आउट हमले की योजना बना रहा है। इस बीच यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि मध्य कीव री में एक अपार्टमेंट ब्लॉक पर हमले की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई और दक्षिण में खेरसोन में गोलीबारी में एक अन्य की मौत हो गई। पूर्वी यूक्रेन में रूस के अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेनी गोलाबारी से 12 लोगों की मौत हो गई। वीडियो संबोधन में ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के पास अभी भी कई बड़े पैमाने पर हमलों के लिए पर्याप्त मिसाइलें हैं और उन्होंने फिर से पश्चिमी सहयोगियों से कीव को और अधिक बेहतर एयर डिफेंस की सप्लाई करने की अपील की। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 10 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, वहीं यूक्रेन बार बार वैश्विक मंचों पर रूस के खिलाफ आवाज उठाने की और दुनिया से मदद मांगने की कोशिश में जुटा है। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।